पर अपरोक्ष बातें की, लुका छिपी की बातें की। अगर धर्म के बातों में आपका विरोध नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप जनता के मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म इतनी बड़ी चीज है, इतनी बहुत बड़ी। कार्ल मार्क्स के एक स्टेटमेंट को बड़ा लोग कोट करते हैं पर आधा ही करते हैं, आधा। और बड़े सारे लोगों ने तो उस वाक्य का इतना मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या। कार्ल मार्क्स कहता है रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। अब इस स्टेटमेंट को सुनिए और फिर दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। उसने यह नहीं कहा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर पीपल, उसने यह नहीं कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, नहीं नहीं, जनता के लिए, जनता समझिएगा। अगर वो ये कह देता कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, इसका मतलब यह है कि धर्म की उसकी नजर में कोई उपयोगिता थी ही नहीं। रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, यानी इसका मतलब मासेस के अलग, मतलब जनता से अलग जो लोग हैं उनके लिए धर्म बड़ी महान चीज है। सर, मैं अगर आपसे अपील करूं कि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, जिस धर्म को भी वो मानता है, दुनिया में कोई धर्म बुरा ही नहीं। मैं अभी प्राचीन भारत में ब्राह्मण धर्म पर चर्चा करूंगा, बुद्ध धर्म पर चर्चा करूंगा, जैन धर्म पर चर्चा करूंगा, आजीवक पर करूंगा, और सबसे बड़ी बात भारत की एक अद्भुत धारा, अद्भुत तंत्र संप्रदाय, जो शायद भारत को छोड़कर कहीं और नहीं है, उस पर चर्चा करूंगा। विज्ञान भैरव तंत्र, दुनिया की अनोखी किताब, अनोखी। जब मैं मध्यकाल पहुंचूंगा तब मैं आपको ईसाइयत पर चर्चा करूंगा, इस्लाम पर चर्चा करूंगा, सिखिज्म पर चर्चा करूंगा। भारत का आकाश तो सितारों से भरा हुआ है ना। धर्म, धर्म बड़ी महान चीज, बड़ी। भारत के एक बड़े प्रमुख संत हैं परमहंस, राम कृष्ण परमहंस, क्या बात है। नाम देखिए, राम त्याग की प्रतिमूर्ति, कृष्ण संसारी, क्या बात है। नाम देखिए, नाम, नाम पर गौर करिए, राम भी है कृष्ण भी है, त्यागी होके संसार में रहते हैं और परमहंस हैं। हंस जो है पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति आसार और सार, उपयोगी और अनुपयोगी को अलग करने की कला जानता है, उसको भारत ने कहा परमहंस। आऊंगा मैं रामकृष्ण परमहंस पर, अद्भुत, महान। मैं तो कभी कभी बड़ा संकट में पड़ जाता हूं कि मैं किसकी तारीफ करूं, मैं बुद्ध की करूं, महावीर की करूं, कृष्ण की करूं, राम की करूं, दादू की करूं, नानक की करूं, रैदास की करूं, परमहंस। मैं क्षमा मांगता हूं सबसे कि किसी के बारे में ज्यादा निकल जाए तो दूसरा आदमी बुरा ना माने। धर्म बड़ी महान चीज। कश्मीर के एक बड़े फेमस पोएट है, उनकी एक लाइन मुझे बार बार याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तब फिर मजहब क्या सिखाता है? अगर मजहब आपस में वैर करना नहीं सिखाता तो मजहब सिखाता क्या है? धर्म की खोज कैसे हुई? क्यों? फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंसान को छोड़कर बाकी जितनी जीव हैं, बाकी जितने चीजें इस ब्रह्मांड में हैं, सब अपने नियम पर चलती हैं, सब, सब। जानवर अपने नियम पे चलते हैं, वृक्ष अपने नियम पे चलते, उनका नियम है, वो नियम तोड़ेंगे नहीं।
कुत्ता दहाड़ेगा नहीं, शेर भौंकेगा नहीं, वो नियम तोड़ेगा नहीं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेंगे, वो नियम टूटेगा नहीं। समंदर वाटर साइकिल चलाएगा, बारिश होगी, वो नियम टूटेगा नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड एक नियम से बंधा हुआ है। सुनिएगा कि धर्म पैदा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई इंसान को कि धर्म को पैदा होना पड़ा? क्योंकि इंसान को छोड़कर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब नियम से बंधी है। आग जलाएगी, पानी शीतलता पहुंचाएगा, नियम है। रोशनी दिखाएगी, लेकिन इंसान नियम नहीं चाहता। इंसान नियम में बंधा रहना नहीं, इंसान नियम में बंधा रहना नहीं चाहता। बच्चों को देखिए, घर में कितनी जल्दी बड़ा होना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए क्या करोगे बड़ा होकर? अपनी मर्जी से खाना खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। बच्चे की तमन्ना है चॉकलेट, आइसक्रीम, वाटर पार्क। पढ़ना भी तो है, वो नहीं करना। तो चूंकि मनुष्य स्वभावतः स्वच्छंदतावादी है, इसलिए धर्म का जन्म हुआ। मनुष्य स्वभावतः स्वच्छंदतावादी है, स्वभावतः। आपको रात में जंगल में चिड़िया चहचहाते हुए नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रात में शहर में आदमी चहचहाते हुए मिलेगा, और पूरी रात मिलेगा। आपको रात में जंगल में जानवरों की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। कुछ है रात्रिचर, उनको रात्रिचर कहा ही गया, निशाचर। लेकिन बाकी जानवर, रात में आपको शेर दहाड़ता हुआ नहीं मिलेगा, रात में आपको हाथी चिंघाड़ता हुआ नहीं मिलेगा। तो मानव स्वभावतः स्वच्छंदतावादी है, और स्वच्छंदता खुद के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए बाधा बन जाती है। अब आप कह रहे हैं, साहब हम तो मंदिर में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, हम तो मंदिर में बैठ के खाना खाएंगे, और दूसरा पूजा करने आया है। तो चूंकि मनुष्य स्वभावतः स्वच्छंदतावादी है, इसलिए मनुष्य को नियम में बांधने के लिए धर्म का जन्म हुआ। क्या बात है! इसीलिए ना कहा ना, इसीलिए मोहम्मद इकबाल जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसीलिए कहा, क्योंकि धर्म पैदा हुआ मनुष्य को नियम देने के लिए। विवाह का नियम बना कि भैया आपकी बीवी है ना, उसके साथ रहिए। अगर मनुष्य को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो जो ताकतवर है वो दूसरे की बीवी लेके भाग जाएगा। अगर कानून ना बने, नियम ना बने, तो आदमी तो दूसरे की औरत लेके भाग जाएगा। तो धर्म का जन्म, इसने सारे धर्मों का उद्देश्य है मनुष्य को एक व्यवस्था में रखना, एक नियम में रखना, जिससे मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास हो सके। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, मनुष्य का उत्थान हो सके, मनुष्य आगे बढ़ सके। पूर्व मध्यकाल में, आधुनिक पूर्व युग में धर्म, मैंने आपको बताया, संविधान था। प्री मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक युग से पूर्व में, धर्म के दो उद्देश्य थे। बहुत बड़ी बात है, उसको समझिएगा। इसी को लेकर सारा विवाद है आज दुनिया में, और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। प्री मॉडर्न युग में धर्म के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य, धर्म संविधान की भूमिका अदा करता था, यानी
धर्म संचालित करेगा अर्थव्यवस्था को, धर्म संचालित करेगा राजनीति को, धर्म संचालित करेगा समाज को, धर्म संचालित करेगा संस्कृति को। मुसलमानों का कोई ड्रेस नहीं है, हिंदुओं का कोई ड्रेस नहीं होता। लोग कपड़ा देखे कहते हैं भैया मुसलमान आ रहा है। खाना और कपड़ा धर्म पे डिपेंड नहीं करते, भूगोल पे, ज्योग्राफी। सहारा डेजर्ट में कोई टाई लगाएगा कि कोट पहनेगा कि कंबल डालेगा? टाई तो लगाता है यूरोप का आदमी, पोलर रीजन में रहता है, ठंडक पड़ती है, बहुत सारे लोग टॉन्सिल के शिकार होते हैं, गले में खराश पैदा हो जाती है, तो इसको बांध के रखते हैं। एक कश्मीरी हिंदू और एक तमिल हिंदू के खाने और कपड़े में फर्क है, क्यों? भूगोल। एक गुजराती मुसलमान और असम के मुसलमान के खाने और कपड़े में फर्क है, क्यों? भूगोल। अब सऊदी अरब का आदमी जींस पहनेगा, सऊदी अरब का आदमी पर्दा करेगा, क्यों करेगा? औरतें भी करेगी, आदमी भी करेगा, क्यों? क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्यों? मई और जून के दोपहर में देखो लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर औरत आदमी सब चेहरा बांध कर चलते हैं, क्यों? धूप, टेम्परेचर, लू। तो जो यहां मई और जून में होता है वो डेजर्ट में। अब जो मरुस्थल में चलेगा वो धूप से तो बचेगा ना, तो चेहरा कवर करेगा। पर्दा जो है वो मरुस्थलीय संस्कृति का अंग है। कल्चर किस पे डिपेंड करेगा? खाना और कपड़ा किस पे डिपेंड करेगा? भूगोल पे। आधुनिक पूर्व युग, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में धर्म की दो भूमिका, एक भूमिका संविधान की। तो आप देखेंगे कि सामाजिक नियम है, राजनीतिक नियम है, आर्थिक नियम है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आधुनिक युग पूर्व से धर्म की दो भूमिका, एक संविधान और दूसरा मनुष्य का उत्थान। धर्म का उद्देश्य ही है मानव को इंद्रियों से उठाकर चैतन्य पर बिठा देना। मानव को भगवान, जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए। इसीलिए तो इस देश में भगवान की धारणा पैदा हुई, जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए, चैतन्य को उपलब्ध हो जाए। मैं यूरोप में था तो हमसे एक आदमी ने पूछा, यार तुम्हारे देश में भगवान बहुत पैदा हुए। मैंने कहा फॉर्मूला है हमारे पास। कहा कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा द्विज का। ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे मैंने कहा तुम लोग आते तो हो, आज से आ रहे हो, बहुत आदिम काल से आ रहे हो। भगवत्ता का सूत्र है हमारे पास द्विज। एक जन्म मां देगी जब व्यक्ति इंद्रियों पर रहेगा, और दूसरा जन्म गुरु देगा जब व्यक्ति चेतना पे पहुंच जाएगा। तो धर्म के दो उद्देश्य आधुनिक युग से पूर्व में, एक संविधान का उद्देश्य और एक व्यक्ति का उत्थान। लेकिन आधुनिक युग में जो संविधान का उद्देश्य था वो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मानव रचित संविधान। तो संविधान तो धर्म की वो भूमिका खत्म हो गई। धर्म की वो भूमिका खत्म हो गई। बड़ा झगड़ा है इस बात को लेकर, हमारे धर्म में लिखा ऐसा कपड़ा पहनो, हमारे धर्म में लिखा। अरे भैया कपड़ा और खाना, भूगोल। सऊदी अरब के लोग पालक नहीं खाते, कहां से खाएं? जब होती ही नहीं तो कहां से खाएं? पालक खाने के लिए पालक होना भी तो चाहिए। मरुस्थल में कहां लौकी होगी, कहां कद्दू होगा? तो मरुस्थल में मांस खाना मजबूरी है उनकी। जीवन की सर्वाइवल का एक महत्वपूर्ण अंग है।
अरे यूरोप के लोग शराब पीते हैं, तुम्हारे लिए शराब है उनके लिए दवा है। कैसे कैसे? शराब कैसे? ओल्ड मॉन्क। अब अगर डेजर्ट में कोई ओल्ड मॉन्क पिएगा मरुस्थल में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, वो डेड मॉन्क हो जाएगा, मर जाएगा। बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री और तुमने अंदर और गर्मी भर ली, खत्म। लेकिन रूस का आदमी अगर वोडका नहीं पिएगा तो नहीं जी पाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है -40 डिग्री। तो वोडका जो है वो रूस के संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा भैया, हाँ, धर्म। अब धर्म संविधान नहीं रहा, अब मानव रचित संविधान है। मैं विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या है पहला संविधान, किसका लिख कर बाहर आया। अब धर्म का उद्देश्य, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है धर्म का, व्यक्ति को मानव से भगवान बनाने का उद्देश्य। इसलिए सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सभी लोगों को। सबके धार्मिक ग्रंथ में वही बात है। और वो जो संत जिनकी मैंने बात की थी, रामकृष्ण परमहंस जो मैं वहां छोड़ आया था, वो भारत के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों के मार्ग पर चलकर ये सिद्ध किया कि जितने भी धर्म प्रमुख हैं वो सब ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस्लामिक पद्धति, ईसाई पद्धति, हिंदू पद्धति पर चलकर यह सिद्ध किया कि सारे रास्ते उस अल्टीमेट तक ही ले जाते हैं। तो अब आधुनिक युग पूर्व से धर्म का दो उद्देश्य, नियम संविधान और मानव का उत्थान। ऐतिहासिक रूप से हम किस पर चर्चा करेंगे? संविधान के रूप में। इतिहास के स्तर पर जब हम धर्म की चर्चा करेंगे तो हम संविधान के रूप में चर्चा करेंगे, ऋग्वैदिक। और धर्म अपने परिवेश में पैदा होता है। कैसे? आप कहोगे कैसे अपने परिवेश में पैदा होता है? अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब भारत सबके अलग अलग परिवेश हैं, परिस्थितियां हैं। भारत का आदमी लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, अमेरिका का आदमी बुद्ध की, उसको शांति चाहिए। भारत के आदमी को धन चाहिए। अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं, ऋग्वैदिक। अब पर्दे के पीछे जाओ, मैं कहानी पूरी सुना चुका हूं। धर्म संविधान और धर्म अपने परिवेश से प्रभावित होता है, ये दो बातें याद रखो। और फिर ऋग्वैदिक परिवेश को देखो, अर्थव्यवस्था भरण पोषण, समाज संतावादी, राजनीति कबीलाई। तीनों परिवेश को आंख बंद करके ऐसे सोचो, पढ़ने का जो एक फॉर्मूला है जबरदस्त, अध्ययन मनन, ये सूत्र है सिख पढ़ने का। अगर आप मनन छोड़ दोगे तो अध्ययन किसी काम का नहीं। इसीलिए तो आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति को घर से बाहर रखा जाता था। अब आप दिन भर बैठ के पढ़े, 4 घंटे मान लीजिए आप पढ़े, इकोनॉमी बैठ के पढ़े, नेशनल इनकम आपने तैयार किया 4 घंटे में, और फिर 4 घंटे आप उठे और गए पिताजी के पास बैठ गए और माताजी और पिताजी बात कर रहे कि बड़ी वाली बुआ ने मकान में हिस्सा मांग लिया। अब वो जो नेशनल इनकम आपने पढ़ा था वो तो गायब हो गया। आपने कहा इसे कैसे बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग सकती है? अब नेशनल इनकम गायब और पीछे चल रहा है बड़ी वाली बुआ। इसलिए पढ़ने लिखने वाले लोगों को हमेशा सामाजिक रिश्तों से दूर रहना चाहिए। दिमाग है, यह भी पेट है।
हमारी पड़ोस में हमारी एक महिला रहती, कही हमारे बच्चों को कुछ याद ही नहीं होता, हमने कहा दिन भर बैठ के डोरेमोन देखता है, इसके दिमाग में डोरेमोन घुसा हुआ है, इसको कैसे याद रहेगा, ये तो जब आंख बंद करता है तो नोबिता और डोरेमोन और केक और पता नहीं क्या क्या चलता है इसके दिमाग में। पढ़ने का मतलब दो चीज, अगर अध्ययन मतलब पढ़ना और मनन, अगर आप मनन, आज हमारे देश के युवाओं ने, बहुसंख्यक युवाओं ने मनन का त्याग कर दिया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा आप वापस इस प्रक्रिया की शुरुआत करें, एक पैराग्राफ पढ़ें, आंख बंद करें, सोचें कैसे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि धर्म संविधान था, धर्म अपने प्रवेश से प्रभावित होता था, ये दो बातें आपको पता चल गई, अब आपने आंख बंद कर लिया, अब आप ऋग्वैदिक काल के परिवेश को देख रहे हैं कि साहब भरण पोषण अर्थव्यवस्था, साहब अच्छा राजनीति कबीलाई, समाज समतावादी, तो धर्म इसी परिवेश से प्रभावित होगा। तो ऋग्वैदिक जो देवता हैं प्रमुख इंद्र, अग्नि वरुण, इंद्र कपिलाई एरिया, सप्त संधों का एरिया, कम वर्षा का एरिया, तो इंद्र बारिश के देवता हैं, और चूंकि कपिलाई समाज युद्धरत समाज होता है तो इंद्र युद्ध के भी देवता हैं, इसलिए इंद्र को कहा गया पुरंदर, किलों को तोड़ने वाले। अब एक देवता चाहिए जो मनुष्य और देवता के बीच में मीडिएटर हो, अग्नि। अब सीधे कोई एजेंट थोड़ी है कि उसके हाथ में आपने पकड़ा दिया कि हाँ भाई ये पीआरओ है, इनको पैसे दे दो भाई, ये भगवान तक पहुंचा देंगे। अग्नि, अग्नि मीडिएटर है, अग्नि में आप अर्पित करोगे वो परमात्मा तक पहुंचेगा। और वरुण, क्या बात है, कबीलाई देवता ऋग्वैदिक देवताओं के लाइन में वरुण सबसे प्रमुख आदमी है। क्यों, क्यों क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्यों? वरुण यानी समंदर, और आप कभी समंदर के सामने अगर खड़े हुए हो तो लहरें किनारे तक आकर वापस लौट जाती हैं। ये पानी का नियम नहीं है, पानी को अगर आप गिराएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा, लेकिन समुद्र की लहरें किनारे तक आकर वापस लौट जाती हैं, और समुद्र की लहरें अगर इस नियम को तोड़ दें तो धरती जलमग्न हो जाए। इसलिए ऋग्वेद में वरुण को ऋत कहा गया, नैतिक नियम, मॉरल नियम, मॉरल ऋत। आप अगर आईएएस की परीक्षा का पेपर देखें, बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, नैतिक, इतनी नैतिकता की क्या जरूरत है ऋग्वैदिक काल में, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नैतिकता की जरूरत हर समाज में है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इतनी नैतिकता की क्यों जरूरत है? बस आंख बंद कर लिया कि भरण पोषण अर्थव्यवस्था, स्थायी सेना का अभाव, व्यवस्थित शासन का अभाव। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, पिक्चर बन रही है दिमाग में, मनन चल रहा है कि भरण पोषण अर्थव्यवस्था, टैक्स नहीं दे सकते, स्थायी सेना ही नहीं है, व्यवस्थित प्रशासन नहीं है। तो इस परिस्थिति में समाज को कौन संभालेगा? नैतिकता। इस परिस्थिति में समाज को कौन चलाएगा? नैतिकता। अफगानिस्तान में आज स्थायी सेना नहीं, व्यवस्थित प्रशासन नहीं, टैक्सेशन सिस्टम नहीं, तो कौन चला रहा है? नैतिकता। कि धर्म की खिलाफत की अगर स्त्री बुर्के से बाहर आई, अब अमेरिका की स्त्री हाफ पैंट पहन के टहल सकती, हाफ पैंट और टी शर्ट डाल लिया, इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, राज्य सुरक्षा देगा उसको। अफगानिस्तान में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वरुण की जरूरत है ऋग्वैदिक काल में, नैतिकता की जरूरत है।
क्योंकि स्थायी सेना नहीं है, व्यवस्थित प्रशासन नहीं है। तीज देवता, युद्ध का देवता इंद्र, मीडिएटर देवता अग्नि, और नैतिकता का देवता वरुण। सोम का भी एक अलग स्थान है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन है स्थान। उस पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि क्या है, शराब है या नशे की कोई चीज है या क्या है, तो वो उस मतभेद की चीजों पर वो इतिहासकारों का काम है, वो अपना खोजेंगे। लेकिन सोम एक देवता है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, युद्ध रत समाज है। दूसरी बात ऋग्वैदिक धर्म की, तो ऋग्वैदिक धर्म का पहला लक्षण क्या है, इंद्र मित्र, इंद्र अग्नि वरुण की प्रधानता, परवेश, परवेश से प्रभावित, परवेश से जोड़िएगा, परवेश से प्रभावित। और दूसरा लक्षण ऋग्वैदिक धर्म का, पूजा पद्धति। अब हमारे यहां सावन में रुद्राभिषेक होता है, हमारे घर में भी होता है, हम भी करते हैं, दूध दही मक्खन मेवा सब चढ़ता है, मतलब अच्छा अच्छा रुद्राभिषेक में कम से कम मिनिमम 10,000 रुपए का खर्चा होता है, मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना कर लें। क्या ये एक भरण पोषण अर्थव्यवस्था में संभव है? क्या ये एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी में संभव है? क्या ये संभव है कि आदमी जितना दिन में खा रहा है, कमा रहा, उतना खा रहा, उसके लिए संभव है? नहीं, भरण पोषण अर्थव्यवस्था है। तो पूजा पद्धति क्या है? पूजा की पद्धति प्रार्थना और चढ़ावा, बस। देखो, पूजा पद्धति भी परिवेश से प्रभावित है, पूजा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी परिवेश से प्रभावित होगा। भरण पोषण अर्थव्यवस्था, कोई रिक्शा वाला मंदिर जाएगा तो क्या मांगेगा? समृद्धि। ऐसे भरण पोषण अर्थव्यवस्था का व्यक्ति जब पूजा करेगा तो क्या मांगेगा? समृद्धि। तो ऋग्वैदिक काल के लोगों की मांग है समृद्धि, और चूंकि युद्धरत समाज है तो बहादुर लड़के, लड़का, गौर करिएगा, लड़का, युद्धरत समाज है। आज युद्धरत समाज थोड़ी है। तीन लक्षण। धर्म किससे प्रभावित है? धर्म क्या है? संविधान है। किससे प्रभावित है? परिवेश से। सिंपल, किसी भी काल के धर्म को समझना हो बस दो शब्द पकड़ के रखो, दो शब्द, एक संविधान, दूसरा परिवेश। और धर्म की परिभाषा याद रखो, आधुनिक युग पूर्व में नियम, नियम जिससे मानव के जीवन को सुव्यवस्थित किया जा सके। तीन शब्द पास रखो, नियम, संविधान, परिवेश। तो पहला लक्षण क्या है ऋग्वैदिक धर्म का? इंद्र अग्नि वरुण। दूसरा, पूजा पद्धति प्रार्थना चढ़ावा। और तीसरा, समृद्धि और वीर, ब्रेव सन्स, सन, लड़के पे बड़ा जोर है, क्योंकि लड़ाई करेगा कौन? लड़का। आज तो लड़कियां भी लड़ाई कर रही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कोई भी पैदा हो, लड़का या लड़की पैदा हो। अब उत्तर वैदिक काल में, अब गौर करना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है, बड़ी बड़ी जबरदस्त लाइन, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है, कुछ बात है, क्या बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कौन सी बात है? आधुनिक जो संविधान है, मानव रचित, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
इकबाल साहब ने कहा कश्मीरी पोएट है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है, कौन सी बात है, कोई तो बात होगी। आप शायरी और कविता सुनकर वाह वाह करके आगे बढ़ जाते, मैसेज है उसमें, संदेश। कौन सा संदेश, कैसा संदेश? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मानव रचित संविधान है, आज के संविधान, उसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू है, लॉ ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन का सिद्धांत। व्यक्ति को समय के साथ बदलते रहना चाहिए, अगर वो नहीं बदलेगा तो मारा जाएगा। अब बच्चा बोतल में दूध पीता है एक साल का, अगर 50 साल का आदमी बोतल में दूध पीने लगे निपल वाली, तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर। दूध पीना बुरा नहीं है, शक्तिशाली चीज है, लेकिन 50 साल की उम्र में निप्पल के बोतल में दूध, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन को समझना और परिवर्तन को आत्मसात करना, यह एक जिंदा दिमाग का लक्षण है। 1991 के बाद का भारत जबरदस्त तरीके से परिवर्तित हो रहा है। जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की वो बड़े परेशान हुए। लिबरलाइजेशन, विदेशी कंपनियां भारत पहुंची, अब तो दिल्ली में रामकृष्ण आश्रम पाड़गंज में बैठा हुआ भिखारी अंग्रेजी में भीख मांग रहा है, सर वन डॉलर, गॉड ब्लेस यू सर 1 डॉलर। जब भीख मांगने की एलिजिबिलिटी अंग्रेजी हो गई तो जीवन जीने की। परिवर्तन को समझना और परिवर्तन को आत्मसात करना, यह जिंदा दिमाग का सूचक है। यह जो आधुनिक संविधान है, जो इस सिद्धांत को समझता है, परिवर्तन के सिद्धांत को, वो भारतीय संस्कृति बहुत पहले से समझ रही है कि धर्म संविधान है। इसलिए जैसे ही अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज बदला, धर्म भी बदल गया। यही बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इकबाल साहब ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये आप जवाब दीजिएगा कि यही बात है कि धर्म संविधान के रूप में परिवर्तन के सिद्धांत को समझता था। ऋग्वैदिक धर्म, सनातन धर्म, बार बार आप सुनते ना, सनातनी। इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद साहब, आज उनकी किताब कुरान। ईसाइयत की शुरुआत जीसस क्राइस्ट, उनकी किताब बाइबल। सिखिज्म की शुरुआत गुरु नानक, उनकी किताब आदि ग्रंथ। ऋग्वैदिक धर्म की शुरुआत किसी को नहीं पता। ऋग्वैदिक धर्म का संस्थापक किसी को नहीं पता। सनातन किसने शुरू किया, क्या इसकी किताब है, किसी को नहीं पता। सनातन, तो ऋग्वैदिक काल का जो सनातन धर्म है, उसी से उत्तर वैदिक काल में एक नई धारा पैदा होती है। संविधान का संशोधन हो रहा है, नई धारा क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि संविधान का संशोधन हो रहा है। क्यों संशोधन हो रहा है, अर्थव्यवस्था बदल गई, भरण पोषण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था, कनेक्ट करिए, डायग्राम बनाइए। राजनीति बदल गई, कबीलाई से राज्य, समाज बदल गया, समतावादी से वर्ण व्यवस्था, तो अब धर्म बदलेगा, तो ब्राह्मण धर्म। वाह, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण, नई आवश्यकताएं, नई नीतियां, नई पॉलिसीज, तो ब्राह्मण धर्म का पहला सिद्धांत, सेक्रिफाइस एंड रिचुअल। ये रिचुअल, क्या बात है, रिचुअल, सेक्रिफाइस तो ऋग्वैदिक काल का ही है, सेक्रिफाइस एंड रिचुअल, कर्मकांड,
ये पहला लक्षण ब्राह्मण धर्म का, रिचुअल। ये रिचुअल क्यों जुड़ गया यार, कर्म कांड क्यों जुड़ गया? क्वेश्चन मार्क लगा दो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का फॉर्मूला लगा दो कि कर्म कांड क्यों जुड़ गया यार। सैक्रिफाइस तो पहले से चला आ रहा है, कर्म कांड, रिचुअल। जगाओ अपने दिमाग को, उठो और जागो, और तब तक विश्राम ना करो जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। मैं अपने देश के भाई बहनों को पढ़ाने नहीं आया, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं अपने देश के भाई बहनों को बताने आया हूं कि हम इतनी महान संस्कृति में पैदा हुए लोग, मैं तो कहानी सुनाने आया हूं, मैं तो कहानी वाचक हूं, मैं अपने देश के भाई बहनों को यह बताने आया हूं कि इतनी महान संस्कृति में पैदा हुए लोग आज परेशान है, डिप्रेशन में है, रो रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। 1,50,000,000,000 का देश, कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट बना दो, लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर वो गाड़ियों का शीशा साफ करने वाला छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, स्प्रे, और उस स्प्रे में लगा हुआ वाइपर, छोटा सा वाइपर, वो भी हमारे देश के बाहर से आता है, हम नहीं बना सकते? हम असली का हवाई जहाज नहीं बना सकते? खिलौना, खिलौने का तो हवाई जहाज बना सकते हैं ना। नौकरी बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भरता, अगर आज भारत की सरकार ने आत्मनिर्भरता की बात कही तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। सब नौकरी करेंगे, पूरा देश नौकर बनेगा, नौकरी मिल जाए तो करिए। आत्मनिर्भरता कितनी बड़ी बात कही भारत ने, भारत की सरकार ने। मैं भारत की सरकार का इस मुद्दे पर बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मैं भारत की सरकार से यह निवेदन भी करता हूं कि वो आत्मनिर्भरता के एक परिदृश्य को, एक पृष्ठभूमि को हमारे युवाओं के सामने लगाए। बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छा, बेहतरीन, नौकरी करो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलो, मानसिकता खराब है। वो छोटा सा वाइपर जो हमारे लाल बत्तियों पर हमारे बच्चे बेचते हैं, गाड़ी की शीशा साफ करने वाला, वो हम नहीं बना सकते, हम खिलौना नहीं बना सकते। तो उत्तर वाली काल में अब एक नई बात हो गई, कर्मकांड जुड़ गया। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा, कर्मकांड क्यों जुड़ गया धर्म में? बाबूजी, अब आर्थिक व्यवस्था बदल रही, सामाजिक व्यवस्था बदल रही, राजनीतिक व्यवस्था बदल रही, उसको अनुमोदित कौन करेगा, सैंक्शन कौन करेगा? धर्म, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है ना, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र? तो उपनयन, यज्ञोपवीत, ये जनेऊ, उपनयन संस्कार, ये बताएगा, ये जो जनेऊ पहना हुआ है ये ब्राह्मण है, इसलिए कर्मकांड की आवश्यकता हुई। अब राजा कबीले का राजा नहीं है, राज्य का है, उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, तो राजस्व यज्ञ, अब जनता को बुलाया जाएगा, उसका राजस्व यज्ञ किया जाएगा, राजतिलक किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि मिर्जापुर में कहते हैं ना, अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबर लिबर करते थे। तो अगर वो गुड्डू नहीं है तो शो भी तो करना पड़ेगा, तो निकाल के पिस्टल रख देंगे सामने, तो जनता को दिखाना पड़ेगा कि ये राजा राज्य का, भगवान का प्रतिनिधि है, राजतिलक समारोह। रिचुअल, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जितने भी परिवर्तन हुए उनको धार्मिक अनुमोदन देने का माध्यम बना कर्मकांड। क्या बात है, फिर से रिपीट करता हूं, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जितने भी परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, उन सारे परिवर्तनों को अनुमोदन, सैंक्शन देने की भूमिका अदा की रिचुअल। ये पहला अंतर होगा। दूसरा अंतर,
उत्तर वैदिक देवता बदल गए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण। उत्तर वैदिक देवता ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। ये कैसे हो गया भैया, भगवान बदल गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। भारत के धार्मिक दर्शन पर चर्चा करूंगा मैं आपके, बड़े ही मजाक उड़ाया जाता है भारत के धार्मिक दर्शन का। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़, कोई 33 करोड़ नहीं, बड़ा महान धार्मिक दर्शन भारत का। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण। उत्तर वैदिक ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। ब्रह्मा क्रिएटर। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नई अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है, नई राजनीति का उदय हो रहा है, नए समाज का उदय हो रहा है, उसको बनाएगा कौन? ब्रह्मा। जरूरत पड़ गई ब्रह्मा की, ब्रह्मा आ गए। अब जब ये नया बच बन रहा है तो कुछ लोग चाहेंगे कि नया ना बन पाए। 91 के बाद जब लड़कियां बाहर निकली, स्त्रियां बाहर निकली, जींस और टी शर्ट और चश्मा और एक्टिवा, बड़ा मजाक उड़ाया 60 के दशक के लोगों ने कि बहुत बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? कोई बुरा नहीं हो रहा है। तो जो भी नए परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेगा, रुद्र उससे रक्षा करेंगे, रुद्र उसका संहार करेंगे, संहार करेंगे। और इस नई व्यवस्था को सुरक्षा कौन देगा? विष्णु। ये देखिए क्या बात है, क्या अमेंडमेंट की प्रक्रिया भारत को पता है। तो उत्तर वैदिक काल का पहला लक्षण सैक्रिफाइस और कर्मकांड, सैक्रिफाइस और रिचुअल। दूसरा देवता में परिवर्तन, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। लेकिन चूंकि अभी अतिरेक नहीं पैदा हुआ और लड़ाई चल रही है, तो पूजा की मांग अभी भी वही है, समृद्धि और बहादुर लड़के। आधुनिक पूर्व में क्या है? संविधान है। किससे प्रभावित होता है? परिवेश से। लेकिन यहीं आकर, इसी युग में आकर, उत्तर वैदिक के युग में आकर भारत के धार्मिक धारा में कुछ और तत्व दिखाई पड़ते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको उस महान धाराओं की चर्चा करूंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।